हेलो दोस्तों, आज आपका हमारे टेक न्यूफोरियो में आपका स्वागत है। आज आपको मैं बताऊंगा कि आप कैसे मूवी को अपलोड कर सकते हैं यूट्यूब पर बिना कोई कॉपीराइट और बिना कोई स्ट्राइक के। आपको उस मूवी को एडिट करना पड़ेगा। एडिट करने के लिए आपको इस वीडियो को एंड तक देखना है। कैसे कर सकते हैं आपको बिल्कुल फ्री सिखाऊंगा आपको, कैसे आप अपने काइन मास्टर से फ़ोन के अपलोड कर सकते हैं। काइन मास्टर से कैसे एडिट कर कर आप अपनी मूवी को यूट्यूब पर अपलोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, आपको एक मूवी डाउनलोड कर लेनी है। मूवी डाउनलोड कर लेने के बाद आपको अपने काइन मास्टर को ओपन करना होगा। ओपन करने के बाद जैसे ही आप ओपन करेंगे, अगर आपके पास काइन मास्टर मोड ऐप नहीं है तो मैं आपको उसका लिंक अपने टेलीग्राम के चैनल पर दे दूंगा। आप वहां से जाकर अपने आप काइन मास्टर को डाउनलोड कर सकते हैं। आपको सबसे पहले क्या करना होगा, जैसे कि मैंने पहले से मूवी ले रखी है लेकिन मैं आपको बताऊंगा कैसे आपको करना है एडिट। आपको प्लस के आइकन पर क्लिक करना होगा और इसमें आपको 16:9 रेशियो का फ्रेम लेना है। 16:9 रेशियो का फ्रेम लेने के बाद आपको सामने ये डिस्प्ले ओपन होगी। डिस्प्ले ओपन होने के बाद आपको मीडिया पर क्लिक करना होगा। मीडिया पर क्लिक करने के बाद आप जा सकते हैं अपनी उस मूवी की फाइल में जहाँ पर आपने मूवी को पेस्ट करा है, यानी कि मूवी आपने डाउनलोड किया। जैसे मैंने ये मूवी डाउनलोड की है, मूवी डाउनलोड करने के बाद आपको यहाँ पर पेस्ट कर देना है। आपको सबसे पहले जाना है। सबसे पहले जाने के बाद आपको वहाँ पर एडिट करना सिखाऊंगा कि आप कैसे एडिट कर कर बिना कोई कॉपीराइट बिना कोई स्ट्राइक के आप इसे अपलोड कर सकते हैं। आपको देखिए, ये जो पहला हिस्सा होता है, ये पहला हिस्सा फ्रंट का होता है, ये कॉपीराइट आने के इसमें ज़्यादा चांस होते हैं, इसलिए आपको यहाँ से इसे हटा देना है। यहाँ से इसे स्प्लिट ट्रिम टू राइट टू ऑफ प्ले हेड पर क्लिक कर देना है। नहीं, सॉरी, ट्रिम टू लेफ्ट ऑफ प्ले हेड पर क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपका फ्रंट का हिस्सा हट जाएगा। देखिए, आपके सामने ये गोल्ड माइंस का लोगो लगा हुआ आ रहा है, तो इसे भी हटाने के लिए आपको इस पर क्लिक करना होगा। और आपके सामने ये जो ऑप्शन है, इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको इस अपने दोनों हाथों से इसे थोड़ी बड़ी कर देनी है, जूम कर देना है। जैसे जूम करेंगे आप तो आपके सामने ये थोड़ी ऐसी हो जाएगी। आपको फिर इक्वल कर देना है, यहाँ से इक्वल कर देना है। इक्वल करने के बाद आपको इधर आगे चलना है। आगे चलने के बाद आपको इस मूवी में सॉन्ग ढूंढने हैं, जहाँ जहाँ आपको सॉन्ग मिले हैं उसे आपको देखिए। जैसे यहाँ सॉन्ग है तो मैं यहाँ से इसे स्प्लिट एड प्ले हेड कर देता हूँ, यानी स्प्लिट मतलब इस मूवी के बीच में से, और फिर यहाँ से यहाँ तक ये सॉन्ग था, तो इसे मैं आपको हटा के दिखाता हूँ। यहाँ से आपको ट्रिम टू लेफ्ट ऑफ प्ले हेड कर देना है। जैसे आप करेंगे तो वो गाना कट हो जाएगा। ऐसे ही जहाँ जहाँ इस मूवी में आपको गाने देखने को मिले वहाँ से आपको सारे के सारे गाने हटा देने हैं। देखिए, आप यहाँ पर ये शुरू हुई है तो यहाँ भी एक गाना है, तो यहाँ से आप इसे जैसे मैंने बताया था ऐसे स्प्लिट एड प्ले हेड करना है पहले, फिर आपको वहाँ तक देखना है जहाँ गाना ख़त्म है। जैसे आपका गाना यहाँ पर ख़त्म है तो ख़त्म होने के बाद ट्रिम टू लेफ्ट ऑफ प्ले हेड कर देना है, फिर राइट पर क्लिक कर देना है। अब देखिए, आपको ऐसी सारी जगह से कर देना है। फिर आपको जाना है लास्ट में, सबसे सबसे लास्ट में जाने के बाद आपको वहाँ से भी कट करना है। देखिए, अब हम आ गए लास्ट में, तो आपको देखिए ये सारा का सारा फिल्म का एंडिंग है। एंडिंग को कट करने के लिए आपको यहाँ से वहाँ सेलेक्ट करना है जहाँ से ये एंडिंग शुरू हुई है। ये देखिए, यहाँ आपकी फिल्म की एंडिंग ख़त्म होती है, तो आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा और फिर इस पर स्प्लिट पर क्लिक करना है। आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा ट्रिम टू राइट ऑफ प्ले हेड। जैसे क्लिक करेंगे तो आपको फिर वो कट हो जाएगी, राइट पर क्लिक कर देना है। अब आपका काम ख़त्म नहीं हुआ, अभी आपका काम थोड़ा और है। आपको अब इसके बाद क्या करना होगा, आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा और जहाँ जहाँ आपने क्लिक कट किया है वहाँ वहाँ भी आपको क्लिक करना होगा। आपको यहाँ पर स्पीड बढ़ानी है थोड़ी सी, बिल्कुल थोड़ी सी, जैसा इतनी स्पीड सही रहेगी। इतनी स्पीड बढ़ाने के बाद आपको इसमें और क्या करना है, आपको इसमें कलर एडजस्टमेंट करना होगा। कलर फिल्टर में जाकर आप यहाँ से चूज कर सकते हैं कोई भी कलर जो आपको अच्छा लगे। जैसे ये कलर हो गया B03, और भी बहुत सारे हैं, आपको जो पसंद आए वो लगा सकते हैं। और उसके बाद थोड़ा आपको इसे लुक देनी होगी। आपको यहाँ पर एडजस्टमेंट पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको थोड़ी ब्राइटनेस बढ़ानी होगी इसकी, जितना आप को एडजस्टेबल लगे। देखिए, जितना इतना ठीक है। और इसके बाद आप कंट्रास्ट कर सकते हैं या आप अपनी मर्जी से जो करना चाहें वो कर सकते हैं। यहाँ से बढ़ा सकते हैं आपको
फिल्म का थोड़ा कलर का एडजस्टमेंट कर देना है, बिल्कुल सही नहीं होना चाहिए। और उसके बाद आपको नीचे जाना है, थोड़ा वॉइस चेंजिंग भी करनी होगी आपको। इसके बाद इक्वलाइजेशन, वॉल्यूम इन वॉल्यूम, वॉइस चेंजर, इस पर क्लिक करना है। वॉइस चेंजर पर आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है, जौन सी भी आपको ठीक लगे। नंबर टू पिच एलियन नहीं, मतलब जौन सी भी आपको एडजस्टेबल लगे वो आप कर सकते हैं। वॉइस चेंजर यहाँ से भी कर सकते हैं, फेड जो भी है। और यहाँ से ये जरूर खोलना होगा आपको विगनेटे। तो इसे खोलने के बाद आपकी वीडियो देखिए बिल्कुल तैयार हो चुकी है। आपको ये सारी की सारी सेटिंग करने के बाद आपको इसे एक्सपोर्ट करना होगा। और याद रहे, एक्सपोर्ट करने से पहले आपको यहाँ लेयर पर क्लिक करना है, और आपका जो भी लोगो है या जो भी आपका चैनल का ब्रांड है उसे आपको यहाँ पर टाइप करना है। या आपके पास इमेज है तो आप इमेज भी लगा सकते हैं। आप जैसे कि आपका ब्रांड है मूवी, तो मूवी को डालकर यहाँ पर आप इसे कलर एडजस्टमेंट भी दे सकते हैं, और इसे बड़ा भी कर सकते हैं। कलर एडजस्टमेंट देने के बाद देखिए, आपको मैं देखकर बताता हूँ कलर कैसे दिया जाता है इसे। जैसे हमने लाल दिया, लाल हो गया। ये लाल होने के बाद आप इसे एनिमेशन भी कर सकते हैं फेड पर, जिससे कि ये लुपचुप होगा। और इस पर क्लिक करना है आपको, फिर यहाँ पर राइट पर क्लिक करना है। अब जैसे आप उस लोगो पर जाएंगे, अब आपको ये सेटिंग कर देनी है कि इतना छोटा या जितना भी लगाना चाहें आपको बिल्कुल एक कोने में ले जाकर रख देना है। और जितना बड़ा चाहें आप उतना कर सकते हैं। फिर इस पर राइट पर क्लिक कर देना है। राइट पर क्लिक करने के बाद इसे बड़ा कर देना है, इसे वहाँ तक ले जाना है जहाँ तक आपकी मूवी है, मूवी के लास्ट तक। फिर उसे राइट कर देना है। जैसे मैं आपको ले जाकर बताता हूँ, इसे ले जाना है बिल्कुल लास्ट तक, जिससे कि आपका ये लोगो आपके मूवी का ब्रांड बन जाए। इससे क्या होगा कि आपकी मूवी को कोई डाउनलोड करने से पहले सोचेगा वो कि ये ब्रांड नहीं हटा पाएगा, इसलिए उसका जब जब भी वो डालेगा तो एक तरह से आपका प्रमोशन का काम करेगा ये लोगो। तो आप इस लोगो को ज़रूर लगाएं अपनी मूवीज़ पर। आपको अगली वीडियो में मैं बताऊंगा कि आप कैसे पैसे कमा सकते हैं बस एक बारी में ही। ना ही आपको मोनेटाइज की ज़रूरत है, ना ही किसी चीज़ की ज़रूरत है। आप बस आसानी से मूवी से पैसे कमा सकते हैं, मूवी के यूट्यूब चैनल से। आपको अगली वीडियो में मैं बताऊंगा। प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको अगली वीडियो का इंतज़ार है या नहीं। ठीक है दोस्तों, ये आपको लास्ट तक कर लेना है। फिर इसके बाद क्या करना होगा, इसे एक्सपोर्ट करना होगा। फिर राइट पर क्लिक कर एक्सपोर्ट कर देना है। यहाँ सर एक्सपोर्ट पर आप अपने से डिसाइड कर सकते हैं। लेकिन मैं कहूँगा कि आप 360 डाउनलोड करें, 360 में अच्छा रहेगा। 360 एक्सपोर्ट कर लें। 360 में एक्सपोर्ट करने के बाद इस मूवी को अपलोड करना है। अपलोड करने का तरीका भी मैंने अपनी वीडियो में बताया है, मैं आपको इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक जरूर दूंगा। आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा, आप वहां से जाके आप देख सकते हैं कि आप कैसे मूवी को अपलोड कर सकते हैं अपने यूट्यूब चैनल।